सबको जय मसीह की। आज शॉर्ट बाइबल स्टडी में आप सभी का स्वागत है और आज हम सीखेंगे अच्छी संगति के द्वारा आप कैसे बुद्धिमान सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसकी 33 आयत, इसमें लिखा है, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कि जो बुरी संगति होती है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जैसे आप मान लीजिए किसी ऐसे ग्रुप में बैठे हैं जहां पर शराब पीने वाले या स्मोकिंग करने वाले, सिगरेट पीने वाले लोग हैं, और अगर आप ऐसे लोगों के साथ जाकर जो है अगर आप संगति करते हैं, चाहे आप ड्रिंक ना करते हो, चाहे आप शराब ना पीते हो, चाहे आप सिगरेट ना पीते हो, अगर ऐसी संगति में जाते हैं तो बाकी लोग भी आपको उन्हीं के समान समझेंगे, उन्हीं की जैसे आपका जो है चरित्र समझेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता कि आप ड्रिंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो है उन गलत संगति करने वालों के साथ अगर बैठते हैं तो लोगों को यही लगेगा कि आप भी वो सब काम करते होंगे। आपको अपने अंदर इस बात को जांचना है कि आपकी संगति कैसी है, ताकि आपकी अच्छी संगति की वजह से शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। परंतु इसके विपरीत अगर आप अच्छी संगति करते हैं, बुद्धिमान लोगों की संगति करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है बहुत सारे एरियाज में आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। नीति वचन 13:20 में लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो आप बुद्धिमान लोगों की संगति क्यों करना चाहेंगे? अगर अपनी लाइफ में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको बुद्धिमान लोगों की संगति करनी पड़ेगी। अगर आप बुद्धिमान होना चाहते हैं तो आप देखिए, आप मान लीजिए स्टूडेंट है, तो आपकी क्लास में जो है कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छे जो है नंबरों से पास होते हैं, ऐसे बच्चों के साथ आपको संगति करनी है, ताकि आपको उनका तरीका पता चल जाए कि वो किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। वो घर में पढ़ाई करते हैं या स्कूल में पढ़ाई करते हैं, अपने ट्यूशंस में जाके जो है कोचिंग्स लेते हैं, कैसे वो अच्छे स्कोर कर पाते हैं, किस प्रकार से वो अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। अगर आप कमजोर भी होंगे, अच्छे बच्चों के साथ जो है अपने फ्रेंड्स बनाओगे, तो आप भी उन बच्चों के जैसे बुद्धिमान हो जाओगे, उन बच्चों स्टडी आप करने वाले बन जाओगे। और अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको इस बात को देखना है कि कौन सा बिजनेसमैन ऐसा है जो मार्केट में बहुत कम टाइम से जो है उसने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया और बहुत तेजी से उसका बिजनेस बढ़ रहा है। तो ऐसे बिजनेसमैन के साथ आपको संगति करनी है, ताकि आपको जो है ऐसे बिजनेसमैन के साथ आपको फ्रेंडशिप करनी है, ताकि उनके तरीके आपको पता चल जाए। बुरी संगति को छोड़ना पहले जरूरी है। अच्छी संगति में जाएं तो वो अच्छी संगति के लोग जो है आपको गलत ना समझे, क्योंकि अगर वो लोग आपको गलत समझ रहे हैं तो वो आपकी संगति, आपके साथ जो है संगति करना पसंद नहीं करेंगे। तो आपको सबसे पहले अनिवार्य है कि आप अच्छी संगति करें, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, आपको अच्छी संगति करनी जरूरी है। हम पढ़ेंगे लूका उसका 6:39, इसमें लिखा है, फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? अगर मान लीजिए आपको कोई एडवाइस चाहिए तो आप किससे एडवाइस लेंगे? अगर किसी बात के लिए एडवाइस चाहिए तो आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे जो उस बिजनेस में जो है एक्टिव है, उस बिजनेस में जो है सक्सेसफुल है, उस बिजनेस के बारे में जिसको नॉलेज है, उस व्यक्ति के पास आप जाके उस बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यक्ति है जो 40 साल से या 50 साल से अपनी एक दुकान लगा के बैठा हुआ है और वो उसने कोई ग्रोथ नहीं पाई। आप ऐसे व्यक्ति के पास जाके एडवाइस नहीं लेंगे जिसकी ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन आप उस व्यक्ति के पास जाकर एडवाइस लेंगे जिसने कॉन्टिन्यूसली प्रमोशंस की हैं अपने बिजनेस की। प्रमोशंस का मतलब बढ़ोतरी की है। हो सकता है फ्रेंचाइजीज खोली हो बहुत सारी, हो सकता है अलग अलग तरीके से जो है अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया हो। आपका जो आत्मिक जीवन है उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग व्यक्ति, स्ट्रॉन्ग लोगों की एडवाइस चाहिए। आपको देखना है कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो जिससे भी आप जब भी आप डिस्कस करते हैं कोई चीज उसका पॉजिटिव रिजल्ट होता है। जब भी आप उस व्यक्ति की एडवाइस को सुनते हैं तो उसका रिजल्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो आपने ऐसे लोगों से जो एडवाइस लेनी है जो खुद सक्सेसफुल है, ना कि ऐसे लोगों से एडवाइस लेनी है जिन्होंने कुछ अचीव नहीं किया। नीति वचन 14:7 में लिखा है, मूर्ख से अलग हो जा, उससे तू कोई भी ज्ञान की बात ना पाएगा। आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके आसपास जो लोग हैं, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है आपके चारों तरफ कैसी संगति करने वाले लोग हैं, वो क्या अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। अचीवमेंट का मतलब है आत्मिक जीवन, अपनी लाइफ में बढ़ोतरी पाई है आत्मिक जीवन में, कितनी आत्माओं को बचाया, कितने लोगों के उद्धार के कारण वो ठहरे हैं, कितने गरीब मोहताजों के लिए जो है वो उद्धार का कारण ठहरे हैं। ऐसे लोगों को आपने आइडेंटिफाई करना है। और जो गलत संगति करने वाले लोग हैं उनकी संगति आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको उन ऐसे लोगों को या तो समझाना चाहिए, अगर आप एक दो बार समझाते हैं वो नहीं मानते हैं, तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है अच्छी संगति के लिए। भजन संहिता 1:3 उसकी 1-3 तक, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन
ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। तो भजन संहिता 1:3 में लिखा है कि हमारा जो जीवन है परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या होता है, फूलता फलता है। और अच्छी संगति करने वाले लोग वो है सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में। अगर आप आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी चाहते हैं तो आपको आत्मिक लोगों की, जो स्ट्रॉन्ग आत्मिक लोग हैं जिनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, इस बात का सबसे पहले इंपॉर्टेंस देखना, जिनकी प्रार्थनाएं बड़े बड़े काम करती हैं, जिनकी प्रार्थनाओं से बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं, ऐसे लोगों की संगति आपको रखने की जरूरत है। जिनकी प्रार्थनाओं से बड़े बड़े अद्भुत काम होते, जिनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग है, ऐसे लोगों की संगति आपको करने की जरूरत है। और ऐसे लोग जो आपको आत्मिक जीवन में कमजोर करते हैं, जो आपको पाप की तरफ लेके जाते हैं, जो लोग आपको पाप के बातें सिखाते हैं, ऐसे लोगों की संगति आपको छोड़नी है। आपको अपने आप को मजबूत करना है और ऐसे लोगों को आप एडवाइस भी दोगे तो आपकी बात नहीं मानेंगे। तो आपने ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी जो आपको पाप की तरफ लेके जाते हैं, खुद भी कमजोर है तो आपको भी कमजोरी करेंगे। तो आपने जो है अपने अपने जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरना, ना कि श्राप का कारण। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप बुद्धिमान की संगति करो, आप भी बुद्धिमान हो जाओगे। आप आत्मिक जन की संगति करो, आप भी आत्मिक जीवन में स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।